नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा चमत्कारी जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूँ जो जमीन में सटकर होता है, फैलकर होता है, लेकिन बड़ा ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फूल जो है सफ़ेद सफ़ेद कुप्पीदार दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो प्रजाति होता है, एक होता है नीला फूल वाला और दूसरा ये है सफ़ेद फूल वाला। दोस्तों, नीला फूल वाला थोड़ा दुर्लभ होता है और यह सफ़ेद फूल वाला भारत के हर एक राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, यह जड़ी बूटी एक घास नुमा होता है, घास के साथ साथ ही जमीन में चिपक कर सट कर होता है। इसके पत्ते पंछी के जीभ के जैसे पतले पतले होते हैं और रोमदार होते हैं। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, भले यह जड़ी बूटी आकार में छोटा है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। तो आओ दोस्तों, अब मैं आपको इस जड़ी बूटी का नाम बता देता हूँ कि इस जड़ी बूटी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी को शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह शंख पुष्पी भी एक घास है, लेकिन घास होने के साथ साथ यह आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है। यह पौधा करीबन एक फुट से लेकर डेढ़ फुट तक बड़ा से बड़ा इसके डंटल होते हैं, सीख होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। देख लीजिए, ध्यान से पहचान लीजिए। आज मैं आपको इसी के फायदे के बारे में बताऊंगा। यह जड़ी बूटी बड़ा ही फायदेमंद है, हमारे शरीर में होने वाले कई सारे बीमारियों को जड़ से नष्ट करने का काम करता है। ऐसे तो दोस्तों, दिमाग के लिए इसे सबसे उत्तम औषधि माना जाता है। अगर किसी इंसान का दिमाग कमजोर हो या याददाश्त पावर कम हो तो इस जड़ी बूटी शंख पुष्पी के सेवन से याददाश्त पावर बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। तो दोस्तों, यह जड़ी बूटी याददाश्त बढ़ाने में तो मददगार है ही है, पर और भी कई बीमारियों में यह उपयोगी है। तो दोस्तों, आज मैं इसी जड़ी बूटी शंख पुष्पी के एक एक फायदों के बारे में आपको विस्तार तरीके से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को हटाइएगा नहीं, क्योंकि यह बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो साबित होगा और यह जानकारी आपके भविष्य में कभी न कभी जरूर काम आएगा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इसे हिंदी में शंख पुष्पी तो कहते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में भी इसके बहुत सारे नाम है। मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ ताकि आप अपने भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं जान ले और इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें, अपने बीमारियों को जड़ से नष्ट करें। तो दोस्तों, संस्कृत में करीबन इसके 5-6-7 नाम है, मैं आपको नाम सभी बता दे रहा हूँ। इसे विष्णुगंधी कहते हैं, शीर पुष्पी कहते हैं, मंगला कुसुमू कहते हैं या फिर मंगला कुसुमा कहते हैं, मेध्या कहते हैं, सुपुष्पी कहते हैं, कम्बू मालिनी कहते हैं, सुषमा पत्रा कहते हैं, शीत पुष्पी कहते हैं, श्वेत कुसुमा कहते हैं और संघ पुष्पा कहते हैं। दोस्तों, कन्नड़ में इसे विष्णुकांति कहते हैं, मराठी में शंख बल्ली कहते हैं, तमिल में विष्णुकरंदी कहते हैं, तेलुगु में इस जड़ी बूटी को विष्णुकांता कहते हैं, गुजराती में शंख बल्ली कहते हैं, शंखावली कहते हैं या फिर शंख पुष्पी कहते हैं, मलयालम में शंख पुषम कहते हैं और अंग्रेजी में इसे व्हाइट ग्राउंड ग्लोरी कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिया, अब आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस अत्यधिक उपयोगी जड़ी बूटी शंख पुष्पी को। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस जड़ी बूटी को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो, अब विस्तार तरीके से इसके एक एक फायदों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर चिंता करते हैं, तरह तरह के टेंशन लेते हैं जिनके वजह से उनके सर में दर्द होने लगता है। तो हाँ दोस्तों, ऐसे सर दर्द को दूर करने के लिए आप इस शंख पुष्पी के पाचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 ग्राम इस शंख पुष्पी के पाचक तथा 250 मिलीग्राम खुरासनी अजवाइन, दोनों का सूखा चूर्ण होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर किसी के सिर में दर्द होता है तो उस दर्द को दूर करने के लिए
एक ग्राम शंख पुष्पी के पाचन का पाउडर और 250 मिलीग्राम खुरासनी अजवाइन का चूर्ण यानी पाउडर दोनों को मिलाकर गुनगुने जल के साथ सेवन करने से सर का दर्द दूर होता है। दिन में 2-3 बार उपयोग करना होता है। दोस्तों, सर्दी खांसी जुखाम में भी यह शंख पुष्पी का पाचन काफी लाभदायक है। अगर अधिक सर्दी होने की वजह से आपको श्वास लेने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है सर्दी की वजह से, तो आप इस शंख पुष्पी के पाचक को आग लगाकर जला दीजिए और जलने के बाद जो धुएं उत्पन्न हो पैदा हो उन धुओं को आप श्वसन कीजिए यानी नाक द्वारा खींचिए और मुंह द्वारा भी खींचिए, तो इस शंख पुष्पी के धुएं श्वास नली को साफ करेंगे और सर्दी जुखाम को भी दूर करेगा। इतना फायदेमंद है दोस्तों यह शंख पुष्पी का जला हुआ धुआं। दोस्तों, यह जड़ी बूटी शंख पुष्पी उल्टी से भी राहत दिलाता है। अगर कोई उल्टी से परेशान हो तो बस आपको क्या करना है वो जान लीजिए। तो हाँ दोस्तों, 2 चम्मच शंख पुष्पी का पाउडर। तो हाँ दोस्तों, क्या करना है आप यह तरीका जान लीजिए। पूरे के पूरे शंख पुष्पी के पौधे को उखाकर धोकर साफ कर लीजिए और फिर उसे किसी पत्थर सिल में पीस कर पूरे पौधे को पीस कर उसका 2 चम्मच रस निकाल लीजिए, ताजे ताजे रस। और शंख पुष्पी के 2 चम्मच रस में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और फिर 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार या फिर बार बार पिलाने से चटाने से उल्टी शांत होता है। और हाँ दोस्तों, अगर उल्टी करने में रक्त जाता हो, खून आता हो, तो उसमें भी यह शंख पुष्पी जड़ी बूटी आपको राहत दिलाएगा। बस करना क्या है उल्टी को रोकने के लिए वो जान लीजिए। तो दोस्तों, शंख पुष्पी के पत्तों को पीसकर उसका 5 या 10 ml रस निकाल लीजिए और उसमें भी शहद मिलाकर सेवन कीजिए 2-3 बार, तो फायदा होगा। दोस्तों, यह शंख पुष्पी मधुमेह रोग को भी ठीक करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर डायबिटीज शुगर से आप परेशान हैं तो इस शंख पुष्पी के पत्तों को पाचक को पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। 6 ग्राम पाउडर मक्खन में मिलाकर पानी के साथ सेवन कीजिए तो डायबिटीज रोग भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा दोस्तों, मधुमेह के रोगी 2 से 4 ग्राम इसके पत्तों का चूर्ण रोजाना सुबह शाम सेवन करें या फिर 10 से 20 ml इसके पत्तों के रस जो ताजे ताजे पत्तों को पीस कर निकले वह रस इस्तेमाल करें तो उसका मधुमेह रोग जड़ से ठीक होगा। लेकिन टाइम लगेगा, लंबा कोर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, यह शंख पुष्पी बड़ा ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं एक एक फायदों के बारे में बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी जानकारी लाभदायक हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पेशाब की समस्याओं में भी आप इस शंख पुष्पी का उपयोग कर सकते हैं। यह शंख पुष्पी बड़ा ही लाभदायक साबित होगा। बस आपको क्या करना है, इस शंख पुष्पी के पूरे पाचक को लाकर घर में सुखाकर रख लीजिए और 200 ml पानी डालिए और 1 चम्मच इसके पाचक को डालकर पकाइए। पकाते पकाते जब 3 हिस्सा पानी जल जाए, 1 हिस्सा बचे, तो समझ लीजिए वह शंख पुष्पी का काढ़ा है। उस बचे हुए काढ़े में से 10 से 30 ml तक काढ़ा निकालकर दूध के साथ मिलाकर सेवन करने से पेशाब का जलन दूर होता है, पेशाब रुक रुक कर होने वाला तकलीफ दूर होता है और पेशाब खुलकर भी होता है। यानी पेशाब की सभी समस्याओं भी आप इस जड़ी बूटी के काढ़ा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने लगता है, तो उस याददाश्त को मजबूत करने के लिए आप इस शंख पुष्पी का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप शंख पुष्पी जड़ी बूटी को लाकर पीसकर सुखाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए। जितना शंख पुष्पी का पाउडर हो उतना ही उसमें चीनी शक्कर मिश्री मिला लीजिए और फिर बस आपको क्या करना है, 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन कीजिए लगातार कुछ महीनों तक।
तो आपका याददाश्त मजबूत होगा। आप कहीं भी सामान रखकर भूल जाते हैं तो भूलेंगे नहीं। और दूसरा उपाय भी मैं आपको बताता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़े मंद बुद्धि होते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। तो दोस्तों 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक शंख पुष्पी का पाउडर और 1 ग्राम मीठी वच्च का पाउडर, दोनों में 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चों को चटाने से बच्चों का बुद्धि बढ़ता है, यानी वह बच्चे बुद्धिमान होते हैं। इस शंख पुष्पी के सेवन से बच्चा चतुर चलाक होता है, पढ़ने में तेज होता है। तो दोस्तों बुद्धि को बढ़ाने वाला यह परम आयुर्वेदिक औषधि है शंख पुष्पी। 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम शहद मिलाकर चाटिए और दिमाग बढ़ाइए और ऊपर से दूध पीजिए। दोस्तों दिमागी बुखार मार देने की वजह से बहुत सारे लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, तो अगर किसी को मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो तो उनके लिए भी शंख पुष्पी बड़ा ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों 2 चम्मच से लेकर 5 चम्मच शंख पुष्पी के ताजे ताजे पत्तों का रस निकालकर शहद मिलाकर चटाने से मिर्गी का दौरा दूर होता है, मिर्गी की बीमारी ठीक होता है। और भी उपाय मैं आपको बताता हूँ इस शंख पुष्पी के बारे में। दोस्तों शंख पुष्पी, ब्रह्मी और वच्च तीनों जड़ी बूटियों के एक बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए तीनों आप 50-50 ग्राम ले लीजिए और लेकर पीसकर पाउडर बनाकर किसी डब्बे में रख लीजिए और फिर इसका सेवन कीजिए 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद मिलाकर दूध के साथ में। अगर 3 ग्राम में आपको फायदा नहीं होता तो आप डायरेक्ट 5-6 ग्राम भी उपयोग कर सकते हैं शहद मिलाकर। इसका फायदा होगा, जरूर होगा, क्योंकि यह ईश्वर का वरदान है इंसानों के लिए। दोस्तों यह शंख पुष्पी दिमाग का टॉनिक है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको यह शंख पुष्पी कहीं दिखता है तो इसे बहुत सारा शंख पुष्पी लाकर तोड़कर सुखाकर छांव में सुखा लीजिए, पीसकर पाउडर बना लीजिए जितना शंख पुष्पी का पाउडर हो। जैसे मान लीजिए 1 किलो शंख पुष्पी का पाउडर है तो 2 किलो उसमें शक्कर मिला लीजिए और मिलाकर रख लीजिए और 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम दूध के साथ सेवन कीजिए तो दिमाग का ताकत बढ़ेगा, मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करेगा। दोस्तों 10 ml से लेकर 20 ml तक इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर और 500 मिलीग्राम कूट का पाउडर डालकर शहद मिलाकर चाटने से भी उन्माद बीमारी, मिर्गी का बीमारी ठीक होता है। तो दोस्तों यह जड़ी बूटी शंख पुष्पी हाई ब्लड प्रेशर को निरंतर में रखता है, शुगर को कंट्रोल करता है, दिमाग के लिए पावरफुल औषधि है, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने का काम करता है, यहाँ तक कि दोस्तों पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी को भी दूर करता है यह शंख पुष्पी का पाउडर, क्योंकि यह पाउडर डायरेक्ट दिमाग में जाकर काम करता है और दिमाग ही पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भेजने का काम करता है। इसलिए अगर आपका दिमाग तंदुरुस्त है तो आपका पूरा का पूरा शरीर तंदुरुस्त है। दोस्तों यह शंख पुष्पी स्पर्म अकाउंट को भी बढ़ाने का काम करता है, तेज बुखार से राहत दिलाने का काम करता है यह शंख पुष्पी, बालों के लिए भी फायदेमंद होता है या शंख पुष्पी, आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है या शंख पुष्पी। दोस्तों नींद आने की बीमारी को भी दूर करता है या शंख पुष्पी, भूख बढ़ाने का भी काम करता है या शंख पुष्पी, यहाँ तक कि दोस्तों थायराइड भी यह काफी उपयोगी है शंख पुष्पी जड़ी बूटी। और हाँ दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोए सोए बिस्तर गीला कर देते हैं, उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है यह शंख पुष्पी। जो बच्चे सोए सोए रात में पेशाब कर देते हैं उन बच्चों को 2 ग्राम शंख पुष्पी के पाउडर में 1 ग्राम काला तिल का पाउडर मिलाकर शहद के साथ रात को सोते समय चटाकर दूध पिलाने से कुछ ही महीनों में बच्चे का पेशाब करना बंद हो जाएगा बिस्तर में। जो बच्चे रातों में सोए सोए पेशाब कर देते हैं उन बच्चों को भी पता नहीं चलता है वो पेशाब कर दिया, सुबह उससे बहुत डांट भी पड़ता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, भले या जड़ी बूटी बहुत ही छोटा दिखाई देता है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। पूरे भारत राज्य में हर एक राज्य में यह जड़ी बूटी अपने आप खाली पड़े मैदान भूमि में खेत खलिहान में उत्पन्न होता है, बस आपको पहचान होना चाहिए। अगर आपको पहचान है तो आप इसे पहचान कर अपनी बीमारियों उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो
तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अब हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।